नमस्कार, आप देख रहे हैं क्राइम शो 100 नंबर। 100 नंबर लोगों का भरोसा है, जहां हर वारदात की दस्तक, हर अपराध के पहलू, हर खौफनाक तस्वीर का लेखा जोखा होता है, और उसी भरोसे को कायम रखते हैं हम। 100 नंबर पर करते हैं हर वारदात के पीछे छुपे गुनहगारों को बेनकाब। न केवल बेनकाब बल्कि अपराधियों को सलाखों के पीछे पहुंचाने की भी होती है कोशिश। आज 100 नंबर में उठाएंगे पर्दा उस गुनाह से जिसके पीछे छिपे हैं अपनों के चेहरे। तो कुछ हैं समाज के गुनहगार, आपको करेंगे आगाह हर वारदात से। देखते रहिए 100 नंबर। बेशक वो खुद खाकी पहनता है, पुलिस का मुलाजिम है, लेकिन बावजूद इसके उसे पुलिस पर एतबार नहीं। उसने 14 दिनों तक अपने अधिकारियों की चौखट पर माथा रगड़ा, मगर किसी भी अधिकारी ने उसकी बिल्कुल नहीं सुनी। जब वो भूख हड़ताल पर बैठा तो महकमे की नींद टूटी, और फिर अगले ही दिन उसके बेटे की लाश बरामद कर ली गई। इस रिपोर्ट पर देखिए एक खाकी पहनने वाले पिता का दर्द। अपने हिसाब से कितनी मतलब बेकार की है मेरे साथ कि मैं उसको कह नहीं सकता। जिस तरीके मेरे साथ पुलिस ने व्यवहार किया और जिस तरीके 22 केस इसमें गवाह हैं, कितने आदमी की मुझको थाने में किस तरीके जलील किया गया था जब मैं रिपोर्ट दिखाने गया था अपने लड़के। इस सिपाही के इस बयान को सुना आपने, तो अब जरा इस बयान के पीछे छिपे एक पिता का दर्द भी जान लीजिए। जी हाँ, ये शख्स एक पिता होने के साथ ही यूपी पुलिस का सिपाही भी है। उसी यूपी पुलिस का सिपाही जिसके लिए आज इसके मुंह से दर्द बयां हो रहे हैं। खुद अपने ही विभाग के अधिकारियों की कार्यशैली को बताते अल्फाज उस पिता के हैं जिसने अधिकारियों की लापरवाही से अपने जवान बेटे को खो दिया। अपहरण के बाद से लगातार ये पिता अपने अधिकारियों से बेटे का पता लगाने की गुहार लगाता रहा, आरोपियों पर शक जाहिर करता रहा, लेकिन 14 दिन जब उसके हाथ लगी तो वो उसके बेटे की लाश थी। खाकी ने नहीं सुनी खाकी की फरियाद, बेटे की तलाश में भटकता रहा सिपाही, भूख हड़ताल पर बैठने पर हुई कार्रवाई, 14 दिन बाद हाथ लगी बेटे की लाश। जिस तरीके मेरे साथ पुलिस ने व्यवहार किया, जलील किया गया था जब मैं रिपोर्ट दिखाने गया था अपने लड़के की पत्नी, ये जैसे इस तरीके की बात हुई, अगर यही कार्रवाई हो गई होती साहब, मेरे लड़के की डेथ पार्टी सही सलामत मिल जाती। संवेदनाओं को शर्मिंदा कर देने वाला ये मामला इलाहाबाद में तैनात यूपी पुलिस के सिपाही फुल्लर सिंह के साथ हुआ। सिपाही के बेटे सर्वेश का बोलेरो गाड़ी सहित बीती 9 मई को अपहरण हो गया था, जिसके बाद से फुल्लर सिंह खुद बेटे की तलाश में जुटे और अधिकारियों से मदद की गुहार भी लगाई। इतना ही नहीं, अपहरण के बाद से सिपाही आरोपी समीर का नाम भी बताता रहा, फिर भी उसकी मदद नहीं की गई। पुलिस की बेशर्मी इससे ज्यादा और क्या होगी, जब बेटे के आरोपी को सिपाही ने पकड़कर थाने के सुपुर्द कर दिया तो थाने में तैनात उसी के सहकर्मियों ने आरोपी को छोड़ दिया। 9 मई को मतलब मेरे लड़का बोलेरो गाड़ी का अपहरण हो गया, जिसको मैं उसी दिन से मतलब जब पता करने के बाद से ही समीर का नाम मैं चिल्ला रहा हूँ कि समीर ने मेरे लड़के का अपहरण करवा दिया या कर लिया, दोनों चीज़ में कह रहा हूँ। अब उसमें से पुलिस को बताया, पुलिस को उसको मैं पकड़ के ले जाके थाने भी दे दिया, इतना तक मैंने कर दिया, लेकिन फिर भी उससे अपने आसानी तरीके से पूछताछ करके फिर उसको छोड़ दिया। कहा भाई अभी इस पर जब तक जुर्म नहीं बनेगा तब तक हम नहीं कुछ करते हैं। CDR आ गई, CDR से भी मिलान हुआ तो वही दोषी पाया गया। लगातार भागदौड़ करने के बाद भी जब संबंधित अधिकारियों ने उसकी बात नहीं सुनी तो सिपाही अपने ही विभाग और अधिकारियों के खिलाफ भूख हड़ताल पर बैठ गया। कप्तान की चौखट पर भूख हड़ताल की खबर ने प्रशासन के होश उड़ा दिए। आनंद फानन में SSP ने सिपाही को मुलाकात का वक्त दिया। सिपाही ने जब कप्तान से अपनी फरियाद कही तो उसके अगले ही दिन उसी CDR रिपोर्ट के आधार पर सिपाही के बेटे सर्वेश की लाश और बोलेरो कार को धूमनगंज पुलिस ने बरामद कर लिया। अब सिपाही अपने ही विभाग से सवाल पूछ रहा है कि आखिर अचानक से अधिकारियों को ऐसा क्या मिल गया कि जो काम 14 दिनों में नहीं हुआ उसे महज 24 घंटों के भीतर कर लिया गया। फिर मुझको मजबूरन साहब 22 तारीख को SSP साहब के यहाँ जा कर के मतलब अपने भूख हड़ताल की मतलब करने की मतलब मैंने बात कही, तब कप्तान साहब ने मुझसे बात किया, बात करने के बाद उन्होंने उसके दूसरे दिन ही ऐसी कौन सी इनको सूचना मिल गई जो कि जो है हम
हमारा लड़का एक डेड बॉडी प्लस वो गाड़ी दोनों चीज़ बरामद हो जा रही है। इसके पहले मैं 14 दिन तक दौड़ता रहा, तब क्या होता रहा। सिपाही का आरोप है कि बेटे सर्वेश को उसके ही एक दोस्त और एक दरोगा के चचेरे भाई ने बड़ी रकम और बोलेरो गाड़ी के लालच में उसका अपहरण किया। जिस दरोगा के चचेरे भाई पर आरोप है वो इस वक्त जिले के बड़े अधिकारियों की पीआरओ सेल में तैनात है, जिसकी वजह से उसे फरियाद करने पर बेइज्जत किया गया और उसकी सुनवाई नहीं हुई। इसमें गवाह है कितने आदमी की मुझको थाने में किस तरीके जलील किया गया था, जब मैं रिपोर्ट लिखाने गया था अपने लड़के के पक्ष में कि तुमने कैसे मतलब मेरे लड़के मेरे भाई को इससे आज़ाद के शब्द से कर लिया। उन्हीं के साथ पीआरओ का उनके आईजी पीएचक्यू का पीआरओ था, उसका नाम नहीं जानता हूं मैं सर, लेकिन गोरे गोरे से चंदन थे, सादे में थे वो थे। इंस्पेक्टर साहब थे यहीं के, SSI थे धूमनगंज के। SSI साहब का भी शब्द था कि तुम लोग बहुत अकड़ के बात कर रहे हो। धूमनगंज CO के मुताबिक सर्वेश को उसके कुछ दोस्तों ने पैसे और गाड़ी के लालच में मारकर संगम किनारे रेत में फेंक दिया था। पीड़ित परिवार के आरोप के बाद समीर और उसके दोस्त से जब सख्ती से पूछताछ की गई तो उन्होंने अपना जुर्म कबूल कर लिया। आरोपियों की निशानदेही पर संगम किनारे रेत से अपहृत सर्वेश की लाश बरामद हुई, साथ ही गाय बोलेरो कार भी बरामद कर ली गई। किसी भी विभाग के लिए इससे ज्यादा शर्म की बात और क्या होगी कि उसी विभाग का कर्मचारी अपने अधिकारियों की लापरवाही से अपने बेटे को गंवा बैठा है। जब पुलिस के अधिकारी अपने कर्मचारियों की फरियाद पर इस तरह की कार्रवाई करते हैं तो सोचने वाली बात है कि प्रदेश के आम आदमी के साथ पुलिस कैसा सलूक करती होगी। पुलिस अधिकारियों ने अगर वक्त पर सिपाही की बात सुनी होती तो यही आरोपी पहले ही गिरफ्त में होते और आज शायद सिपाही का बेटा जिंदा होता। इलाहाबाद से अमित श्रीवास्तव, नेशनल वॉइस। आंखों में हजारों सपने संजोए, बदन पर खाकी वर्दी पहने वो दोनों बड़े रौब से चल रहे थे कि तभी उनके सामने कुछ उन्हीं की तरह दिखने वाले लोग आ गए। जब पूछताछ हुई तो वो हड़बड़ा गए। लोगों ने पुलिस को हड़बड़ाते शायद पहली बार देखा था। अधिकारियों ने जब पूछताछ की तो दोनों फर्जी पुलिस अधिकारी निकले। देखिए खाकी के पीछे की साजिशों को बेनकाब करती ये रिपोर्ट। जरा इन दो चेहरों को गौर से देखिए, फिर देखिए इनके बदन पर मौजूद खाकी वर्दी जिस पर 3 स्टार मौजूद हैं। अब जरा सोचिए कि ये आपको कहीं रास्ते में मिल जाए तो आपकी क्या हालत होगी। पहली बार में आप हैरान ही रह जाएंगे कि आखिर आपने ऐसा क्या कर दिया है कि पुलिस ने आपको रोक लिया। और यकीन कीजिए आप इनकी कही हर बात को मानने पर मजबूर होंगे, क्योंकि खाकी को देखकर अच्छे अच्छों के पसीने छूट जाते हैं, फिर किसी आम इंसान की बात ही क्या है। लेकिन हम कह रहे हैं इनके जैसे खाकीधारियों से सावधान रहिए। जैसे हर पीली चीज सोना नहीं होती, वैसे ही पुलिस की वर्दी पहनने वाला हर शख्स यूपी पुलिस का हिस्सा नहीं होता। पुलिस की गिरफ्त में आई पुलिस। स्टेशन पर गिरफ्तार हुए 2 इंस्पेक्टर, महिला और पुरुष इंस्पेक्टर हिरासत में। पूछताछ में दोनों ने किया बड़ा खुलासा। देखने सुनने में बिल्कुल यूपी पुलिस के इंस्पेक्टर की तरह लग रहे इन दोनों शख्स को देखकर कोई भी धोखा खा सकता है। यहाँ तक कि खुद यूपी पुलिस के लोग भी इन्हें देखकर धोखा ही तो खा गए थे, लेकिन कुछ शक होने पर इन्हें थाने लाया गया तो खुलासा हुआ कि सभी का शक सही है। दोनों फर्जी तरह से इंस्पेक्टर की ड्रेस में घूम रहे थे। मामला लखनऊ के चारबाग रेलवे स्टेशन का है। GRP पुलिस प्लेटफॉर्म पर चेकिंग कर रही थी, तभी चेकिंग टीम को प्लेटफॉर्म पर एक महिला और उसके साथ एक पुरुष इंस्पेक्टर दिखे। जब चेकिंग टीम ने दोनों से पूछताछ की तो दोनों घबराने लगे। इस पर चेकिंग टीम को कुछ शक हुआ और टीम दोनों को लेकर GRP थाने आ गई। पूछताछ में दोनों ने जो खुलासा किया उससे सभी के होश उड़ गए।
ये दोनों आज चारबाग रेलवे स्टेशन पर पुलिस निरीक्षक की वर्दी में घूमते हुए दिखाई दिए, तो शक होने पर इनसे पूछताछ की गई, तो इन्होंने ये बताया है कि ये कौशाम्बी के रहने वाले हैं। अजय प्रकाश का कहना है कि ये बीएससी पास हैं और कलावती भी बीए की बताते हैं स्टूडेंट हैं। इनका कहना ये है कि इनको कतिपय व्यक्तियों ने पुलिस में भर्ती के लिए बताया कि आपकी भर्ती करा दी जाएगी, और इनका कहना ये है कि इनसे कुछ धनराशि भी उन लोगों ने ली और वहीं के एक लोकल टेलर से वर्दी सिलवा कर इनको दी और कहा कि आज आप चिड़ियाघर के पास लखनऊ पहुंच जाना, वहां आपकी ड्यूटी शुरू होगी। फर्जी तरीके से पुलिस की वर्दी में घूम रहे इन दो लोगों के साथ भी असल में फर्जीवाड़ा ही हुआ है। दोनों की पहचान कौशाम्बी के रहने वालों के रूप में हुई है। पूछताछ में दोनों ने बताया कि उनसे किसी शख्स ने पुलिस में भर्ती के नाम पर रुपए वसूले और इनको एक फर्जी पुलिस की ड्रेस भी दी। आरोपियों ने बताया कि उनसे रुपए लेने वाले ने शुक्रवार को वर्दी पहनकर लखनऊ में नियुक्ति पत्र लेने के लिए बुलाया था, इसीलिए दोनों वर्दी में कौशाम्बी से लखनऊ आए थे। पुलिस की माने तो करीब 5 लाख रुपए किसी शख्स को दिए हैं जिसने इन्हें नियुक्ति पत्र देने के लिए बुलाया था। फिलहाल पुलिस इनकी गिरफ्तारी के बाद उन लोगों तक पहुंचने की फिराक में है जो इस तरह के फर्जीवाड़े करके लोगों से ठगी का जाल बिछा रहे हैं। जैसा कि अभी मैंने बताया कि अभी तक की पूछताछ में ये कतिपय व्यक्तियों को पुलिस में भर्ती के लिए पैसे देना बता रहे हैं और उनके निर्देश पर ही यहाँ आना बता रहे हैं। इनके इस बयान की पूरी गहराई से छानबीन की जा रही है। एक पुलिस पार्टी इनके बयान के आधार पर रवाना की जा रही है जो कि सभी तथ्यों की जांच करेगी और उसके उपरांत ही कोई आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। जीआरपी पुलिस की ये सघन चेकिंग अभियान की ही देन है कि दो फर्जी पुलिस कर्मियों को पकड़ने में कामयाबी मिली। इसके साथ ही वो जाल भी सामने आ गया है जो लोगों से रुपए ऐंठ कर फर्जी पुलिस कर्मी बनाने के दावे कर रहे हैं। अगर पुलिस इनके जरिए उन आरोपियों तक पहुंचने में कामयाब हो जाती है तो जीआरपी के लिए बड़ी कामयाबी होगी, क्योंकि पकड़े गए दोनों शख्स केवल मोहरे हैं जबकि असली मछली अभी कोसों दूर है। इनकी गिरफ्तारी से लोगों को एक और सबक मिलता है कि किसी भी ऐसे शख्स के झांसे में बिल्कुल ना आए जो आपको रुपए लेकर किसी सरकारी संस्थान में नौकरी दिलाने के दावे करता है, क्योंकि ये जालसाज हैं और आप किसी भी बड़ी साजिश में फंस सकते हैं। लखनऊ से नेशनल वॉइस के लिए राशिद सिद्दीकी की रिपोर्ट। सौ नंबर में एक छोटे से ब्रेक का वक्त है, जब ब्रेक के बाद लौटेंगे तो आपको दिखाएंगे कैसे भूमाफियाओं ने ली एक वकील की जान।